अच्छा यम्मी लग रहा है ये स्टफ चिकन ब्रेस्ट। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली जब आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी हम लोगों को। आप ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लेट्स कुक विद आफ्रीन में हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट। स्टफ चिकन ब्रेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन के होल ब्रेस्ट पीसेस, इस तरह से 250 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो एक बाउल में यहाँ हम लेंगे सॉल्ट, इसमें हम ऐड करेंगे ओरिगैनो 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ये रेडी हो चुका है हमारा मैरिनेट। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, इसे अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। इसे 1/2 to 1 hour के लिए हम ऐसे ही मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम रेडी करेंगे इसका फिलिंग। तो अब मैं यहाँ आपको फिलिंग बता देती हूँ चिकन की। तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम कीमा। मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए मैंने कम कीमा लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मेजरमेंट्स ले सकते हैं। 3 ब्रेस्ट पीस में 100 ग्राम कीमा इनफ है इसलिए मैंने इतना लिया है। तो मैंने डायरेक्टली पैन गरम करके इसमें कीमा ऐड कर दिया है। यहाँ मैं ऐड करूँगी पिंच सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना वरना वो सॉल्टी हो जाएगा। पेपर पाउडर मैं ऐड करूँगी 1/2 teaspoon। हमारी चिकन को हम ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ओवर कुक हो जाने पर वो हार्ड हो जाती है, तो बस वो अच्छे से कुक हो जाए और टेंडर में ही हम उसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर डाल के कीमे को कुक कर लेना है। 4 मिनट्स में कीमा कुक हो जाएगा इजीली। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2-3 मिनट और रख देना। हमारी चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 1/2 cup ग्रेटेड चीज़। मैंने प्रोसेस चीज़ ली है, आप चेडा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर यानी कोथमीर। आप कोथमीर की जगह पार्सली भी ऐड कर सकते हैं लेकिन सब जगह पार्सली अवेलेबल नहीं रहती है इसलिए मैंने कोरिएंडर यूज़ किया है। अगर आपके पास पार्सली अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ये गर्म है तो चीज़ भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसे हमारे चिकन में फिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पीस को हम इस तरह से तेज छुरी से कट करके इसका पॉकेट बनाएंगे, इस तरह से। इसे ज़्यादा कट नहीं करना है, बस अंदर एक पॉकेट टाइप क्रिएट करना है। तो ये हो चुका है हमारा पॉकेट, इसके अंदर हम ये फिलिंग डाल देंगे। इसे आप थ्रेड से भी क्लोज कर सकते हैं या फिर स्टिक से भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं, इसे हमें क्लोज कर देना है।
यहाँ मैं एक और बता देती हूँ, इस तरह से इसे कट करना है। ये हमारी पॉकेट बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें हम हमारा फिलिंग डाल देंगे। इसे मैंने थोड़ा नीचे से भी कट कर लिया है। अब इसे क्लोज करके मैं इसे थ्रेड से टाई कर दूंगी ताकि हमारा फिलिंग जो है वो बाहर ना आ जाए। तो अब यहाँ मेरे जो चिकन के ब्रेस्ट पीस है इसे मैं थोड़े से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ से जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसे क्लोज कर लिया है, मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन है ये दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन भी हो चुकी है और पक चुकी है। नाइफ इंसर्ट करके इसे हमने चेक कर लिया है तो ये दोनों कुक हो चुकी है। अब हम इसका सॉस प्रिपेयर करेंगे। सॉस बनाने के लिए पैन में हम लेंगे इसी पैन में मैं इसका सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है बटर 1 to 2 टेबलस्पून्स और इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। गार्लिक को अच्छे से सॉटे कर लेना है 1 मिनट के लिए। जब गार्लिक की फ्रेग्रेंस अच्छे से आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 1/4 कप। मैंने घर की मलाई यूज़ किया, आप अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या घर की मलाई भी, जैसी आपकी चॉइस है, ज़्यादा फर्क नहीं लगता मुझे दोनों में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़ 1/4 कप, मैंने प्रोसेस चीज़ ली है। यहाँ मैं ऐड करूँगी पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा सॉस ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए, आप टेस्ट करके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मिल्क। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा सॉस थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता और सारी स्पाइसेस अच्छे से अंदर ब्लेंड नहीं हो जाती, तब तक हम इसे इसी तरह मिक्स करेंगे। हमारा सॉस रेडी हो चुका था तो मैंने यहाँ पे चिकन इसमें ऐड कर दी। चिकन इसमें डाल के 2 मिनट्स तक हम इसे कवर करके रख देंगे, फिर हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पीस अखा रख दिया है और 2 पीस को कट करके रखा है इस तरह से। अंदर स्टफिंग है खीमे की और ऊपर पूरा सॉस पोर कर दिया है। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी स्टफ चिकन ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप अगर मेरे साथ कोई पिक शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है afreen_222. थैंक यू।